नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे शनि ग्रह की। सारी दुनिया डरती है शनि ग्रह से, डराया भी जाता है शनि के नाम पे, कभी साढ़े साथी, कभी महादशा, कभी अंतरदशा, कभी प्रत्यंतर दशा। मैंने अपने 20 साल से ज़्यादा के ज्योतिष के अनुभव में कुछ उपाय बहुत उपयोगी पाए हैं। अगर आपके ऊपर साढ़े साथी चल रही है या शनि की दशा महादशा चल रही है, तो आप इन उपायों को करके डेफिनेटली रिलीफ पा सकते हैं। बहुत लोगों को मिला है, आपको भी मिलेगा। किसी को हॉरोस्कोप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपना एस्ट्रोलॉजर स्वयं बनिए, अपने भाग्य को खुद अच्छा करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए जो भी शनि से रिलेटेड हैं। अच्छा, शनि से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं? आपको हर जगह बहुत सारी रुकावटें आएंगी, आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, आपको बॉडी पेन्स हो सकते हैं, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, घुटनों का पेन, जॉइंट्स का पेन, कुछ चोटें लग सकती हैं, आपका अपमान हो सकता है, यकायक आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है, कुछ रिलेशन खराब हो सकते हैं, बाप बेटे के, भाई भाई के, पति पत्नी के, सास बहू के, पड़ोसियों के, या फिर समाज में एक तरह का नेगेटिव माहौल बन सकता है, जैसे कई सेलिब्रिटीज़ का भी बन जाता है। आप पे झूठे आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी और ये सब भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ, अगर शनि का दुष्प्रभाव बाकी ग्रहों के ऊपर हो आपकी जन्म कुंडली में, तो ये आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपायों की बात करते हैं, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसका, 100% पॉजिटिव उपाय हैं। आप करेंगे केवल और केवल लाभ ही होगा, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। पहला उपाय है कि आपको चींटियों को आटा और बूरा मिक्स करके डालना है। ध्यान से समझ लीजिए कैसे डालना है। आपको एक पहले बॉक्स ले लेना है, खाली बॉक्स, उसमें आप आधा आटा भर दीजिए, गेहूं का आटा, और आधा आप उसको बूरा से भर दीजिए। बूरा क्या होता है? पाउडर्ड शुगर। आपको दुकानों पर बूरा कह के भी मिल जाएगा, परंतु अगर आप एब्रॉड में हैं या ऐसी जगह जहाँ बूरा नहीं मिल पा रहा है, तो आप चीनी लेके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। अब आधा आटा और आधा बूरा आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बॉक्स को अच्छे से शेक कर लीजिए कि वो मिक्स हो जाए, और रोज़ आपको एक मुट्ठी भर लेके, जितनी भी आपकी मुट्ठी है एक मुट्ठी भर लेके आपको अपने घर के बाहर डालना है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको उस हाउसिंग सोसाइटी के पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर जाके डालना है, उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं डालना है। बाहर जाके डालने का मतलब है कि किसी पेड़ के नीचे, किसी फुटपाथ पे, सड़क किनारे जो जगह होती है वहाँ डाल सकते हैं, किसी गार्डन में डाल सकते हैं, और आप ये रोज़ सुबह कर सकते हैं। हाँ, इसको 12 बजे से पहले ही करना है आपको, दोपहर में। आप इसको एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में भी कर सकते हैं, मतलब कि शनिवार टू शनिवार कर लें, या अमावस्या टू अमावस्या कर लें, पूर्णिमा टू पूर्णिमा कर लें, पर ज़्यादातर लोग इसको रोज़ कर पाते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और इसका बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जो शनि के दुष्प्रभाव जो मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं, वो कम होने शुरू हो गए हैं। इसको आप ज़रूर करिएगा। उपाय नंबर दो की बात करते हैं, आपको बुज़ुर्गों की, मतलब जो वृद्ध व्यक्ति हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वो महिला हैं या पुरुष हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनका आदर करना है, सम्मान देना है, उनकी यथासंभव आपको सेवा करनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपसे प्रसन्न रहें, किसी भी कारण से वो नाराज़ ना हो आपसे। और वो बुज़ुर्ग लोग आपके घर के अंदर के भी हो सकते हैं, मतलब आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और समाज के अन्य भी हो सकते हैं जो आपके परिवार के नहीं हैं, वो चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे अननोन ही क्यों ना हो। आप बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, और इन एडिशन एक कदम और आगे जाइए, जो बुज़ुर्गों के लिए काम करती हैं संस्थाएँ, ओल्ड एज होम चलाती हैं, या ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, जो कि ओल्ड पीपल के लिए, एल्डरली पीपल के लिए काम करती हैं, उनके शेल्टर के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आप उनको डोनेट करिए। और बेहतर रहेगा आप उन संस्थाओं में जाके आप वॉलंटियर करिए, अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं उनको दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, बहुत कारगर उपाय है। इसको आप प्रयत्न करिए कि अगर शनि की दशा महादशा साढ़े साथी नहीं भी चल रही है, तब भी आप इसको अपने जीवन में लेके आए। उपाय नंबर तीन, आपको जूतों का दान करना है। आप शनिवार को किसी भी वृद्ध व्यक्ति को जूतों का दान करिए, और कोशिश करिए कि आप उस वृद्ध व्यक्ति से ये प्रार्थना करें
कि वह जूते आपके सामने पहन ले, अपने हाथों से आप पहना दें एक कदम और अगर आगे जाना चाहते हैं। ये आप एक शनिवार को कर लें, तीन शनिवार कर सकते हैं, पांच शनिवार कर सकते हैं, और वृद्ध व्यक्ति वो भिखारी भी हो सकते हैं, मजदूरों में से आप कोई ले सकते हैं, आपके कोई स्टाफ के मेंबर हों या आपके कोई कामगार हों, सफाई कर्मचारी हों, ड्राइवर हों, लिफ्ट मैन हों, पीएन हों, कोई भी हो सकते हैं, आप उनको दान दे सकते हैं। ये भी बहुत कारगर उपाय है, इसको भी आप करें। जैसे मैंने बताया, किसी उपाय का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। खैर, आने वाले समय में मैं और शनि के उपाय लेके आऊँगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बिल्कुल ना घबराएं शनि ग्रह से, और कोई अगर आपको डराने की कोशिश करे, कोई पंडित जी, कोई ज्योतिषी या कोई यूट्यूबर आपको डराने की कोशिश करे कि शनि ग्रह आपका बुरा कर सकते हैं, तो आप उनको समझा दीजिएगा कि अब हमारे पास ये उपाय उपलब्ध हैं जो कि हमारे शनि ग्रह को शांत करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपने जीवन में उतारेंगे, और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, एक और बात, हम आपको अब कंसल्टेशन देंगे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, और संडे टू संडे हमारे ये वीडियोस आएंगे आपके पास। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और जो समस्या आपकी है उसको आप स्पष्ट रूप से मेंशन करिए। हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि अगले जो संडे को वीडियो आएगा उसमें हम आपके प्रश्न को लें और आपको प्रेडिक्शंस दें, रेमेडीज़ दें जो स्पेशली आपके लिए होंगी।